ओके जी, आज का हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है आज का ओकाटेक्स सर्टिफिकेट के बारे में। ओकाटेक्स सर्टिफिकेट, अच्छा आप लोग फैक्ट्रीज जाते होंगे, फैक्ट्रीज गए होंगे तो आपने इस तरह के ये देखो सर्टिफिकेट देखे होंगे, बहुत दफ़ा लगा होता है, वेबसाइट्स पे होता है, फैक्ट्री में, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग है। ये है क्या, कभी सोचा है? कभी देखो असल चीज़ क्या है, कभी सोचो ये चीज़ क्या है, क्या हो रही है। ओकाटेक्स बेसिकली एक कंपनी है जर्मनी में, और ये मेरा गलत नहीं हुआ अगर तो 1992 में इसका क़याम हुआ था। ये क्या करती है कि ये सैंपल्स मंगवाती है आपसे और उसको टेस्ट करती है, और टेस्टिंग की इस बात की करती है कि इस आपके सैंपल के अंदर कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस, यानी तकलीफ देने वाले या ज़र पहुंचाने वाले सब्सटेंस तो नहीं है, यानी इंसानी जिस्म को, इंसानी स्किन को उसको तकलीफ हो। बेसिकली यदि फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कुर्ता पहना हुआ है, इसके अंदर जो यार्न यूज़ हुआ है, अगर वो यार्न के अंदर जो भैया जब ये यार्न कपास से बनता है ना, तो कपास में वो सुंडी मरने का स्प्रे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो जो पेस्टिसाइड्स डाले थे वो उसके ज़र्रात उसके अंदर नहीं बचे हुए, क्योंकि जाहिर बात है अगर पेस्टिसाइड्स इसके अंदर बचे हुए और मेरे जिस्म में लग रहे हैं तो भाई मुझे एलर्जी होगी, कॉमन से ये जो फ्लिट होती है अगर जिस्म पे मारो तो एलर्जी होगी। इसी तरह कोई पीएच वैल्यूज होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं, केमिकल्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की जिस्म के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, स्किन कैंसर तक हो जाता है। उन चीज़ों से ये साफ सुथरे हैं या नहीं है आपके कपड़े, इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो ये जर्मनी में है और ओकाटेक्स स्टैंडर्ड 100 को कहा जाता है। ये इसलिए हुआ किया जाता है कि यूरोपियंस और अमेरिकन्स जो हैं अपनी स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सेंसिटिव होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो उनके पास ये जो गारमेंट्स आ रहे हैं, अपैरल आ रहे हैं, तौलिया आ रहा है, टॉप्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें उनके पास अजीन्स आ रही है, वो उसके अंदर जो धागा, जो केमिकल्स, जो कपास या जो भी चीज़ इस्तेमाल हुई हो वो फ्री फ्रॉम, यानी उसके अंदर क्या चीज़ नहीं हो, हार्मफुल सब्सटेंस, जो तकलीफ देने वाले सब्सटेंस हैं, केमिकल्स हैं, वो उसके अंदर मौजूद नहीं हो, साफ सुथरे हो, इसकी टेस्टिंग की जाती है जर्मनी में, और उसको कहा जाता है ओकाटेक्स 100 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो आप लोग देखते हो। तो इसका बेसिकली तरीका ये होता है कि आप अपना एक सैंपल बनाते हो, सैंपल यकीनन अच्छा होता है, उसमें आप अच्छा सा यार्न इस्तेमाल करते हो जो अच्छी कपास से बना हुआ होता है, उसके बाद आप उससे अच्छा कपड़ा बनाते हो, कपड़ा बनाने के बाद उसको अच्छी तरह ब्लीच करते हो, एजोफ्रीज डाइज यूज़ करते हो, ऐसी डाइज जो जिसमें केमिकल्स हार्मफुल नहीं है, यानी तकलीफ देने वाले नहीं हैं, ज़र पहुँचाने वाले नहीं हैं, और उसके बाद आप उससे डाइंग, प्रिंटिंग वगैरह करते हो, फिर उसके उसमें बटन्स लग रहे हैं भाई, आपको पूरी शर्ट भेजनी पड़ेगी, उसमें बटन लग रहा है। अच्छा मज़े की बात, आपकी जो कुर्ता है या शर्ट है वो तो पास हो गई, उसका फैब्रिक पास हो गया, केमिकल्स पास हो गए, लेकिन जो बटन लगाया हुआ है, बटन के अंदर कोई ऐसा केमिकल लगा हुआ है जो खराब है, और बटन तो आप बनाते भी नहीं हो, बाहर से लेते हो, वो फेल कर देंगे ये, तो बटन भी पास होना चाहिए, ठीक है ना, एम्ब्रॉयडरी वो भी पास होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी जो स्टिचिंग, ये जो स्टिच में धागा इस्तेमाल हो ना, सिलाई में धागा, वो तक साफ सुथरा होना चाहिए। वो हर चीज आपकी चेक करते हैं, फिर आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं इस तरह का, ओकाटेक्स सर्टिफिकेट, ओकाटेक्स स्टैंडर्ड 100 सर्टिफिकेट, वो सर्टिफाई करता है, यानी वो आपको कंफर्म करता है, हाँ जी इनकी जो बनाने की प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो तौलिया है, इनके जो कपड़े हैं, इनकी जो बेडशीट है, इनकी जो जीन्स हैं, इनकी जो जितने भी गारमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस हैं, यानी ऐसे जर पहुंचाने वाले केमिकल्स उसके अंदर नहीं हैं और साफ सुथरे हैं, इंसानी जिस्म पे वो अगर टच करें या इंसानी जिस्म पे रगड़े जाएं, जैसे तौलिया रगड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे ओकाटेक्स सर्टिफिकेट कहते हैं। जब ये सर्टिफिकेट आपके पास आता है ना, तो जो कस्टमर होता है यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन या ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको ये फील होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार, कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये सही कंपनी है, इससे हम काम कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग लिखते हैं कॉन्फिडेंस इन टेक्सटाइल्स, देख रहे हो, कॉन्फिडेंस इन टेक्सटाइल, कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, हाँ यार ये सही है। मैं आपको मज़े की मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने $5 किलो के लिहाज से आपने तौलिया बेचा एक यूरोपियन कस्टमर को, ठीक है ना, और दूसरा आपको उससे भी कम दे रहा है, $4.50 दे रहा है, लेकिन वो ओकाटेक्स सर्टिफाइड नहीं है और आप ओकाटेक्स सर्टिफाइड हो, वो आपसे लेगा, क्योंकि वो अपनी हेल्थ देखेगा, वो आधा सेंट यानी 50 सेंट्स नहीं दिखेगा, वो आपकी अपनी हेल्थ देखेगा। तो गाइज़ ये एक छोटा सा मैंने ओकाटेक्स के बारे में बताया कि आप लोग अपनी फैक्ट्री में जाते हो, देखते हो, आपको नज़र भी आता है, तो पता तो होना चाहिए है क्या, आखिर ये इतना बड़े बड़े लोगो बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हैं, एक्चुअली ये है क्या। तो गाइज़ ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, यार एक तो फ़ौरन सब्सक्राइब करो उसको, दूसरी बात इसके लिंक को ना अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में दबा के शेयर करो, ठीक है ना, ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है, इसमें डाइंग के, प्रिंटिंग के, स्पिनिंग के, वीविंग के सारे कोर्सेज मौजूद हैं इसमें। अच्छा हाँ, मेरी ई बुक ज़रूर खरीदो भाई, वो मैंने 250-250 रुपये की कर दी है ई बुक्स, अब तो खरीदो यार, अब तो बहुत आसान हो गया, सिंपल हो गया। तो गाइज़ आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आता है, कमेंट्स ज़रूर किया करो, बताया करो, अच्छा।